नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। पूजा खेडकर को आज पुणे पुलिस ने तलब किया, हैरेसमेंट केस में बयान दर्ज होंगे। कलेक्टर सुहास दिवासे पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। हॉलीवुड में हीरो जितनी फीस लेकर प्रियंका ने रचा इतिहास। बॉलीवुड छोड़ने पर बोली, राजनीति से थक गई, माँ ने कहा था दूसरा काम ढूंढो। यूपी में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, दो की मौत। एक्सीडेंट के पहले ड्राइवर ने सुनी धमाके की आवाज, 12 कोच पटरी से उतरे। यूपी पुलिस का आदेश, कांवड़ मार्ग पर अपना नाम लिखें दुकानदार। मकसद, कांवड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। अखिलेश बोले, ये सामाजिक अपराध। यूपी सरकार में खींचतानों के बीच अखिलेश का ऑफर, कहा 100 लाओ सरकार बनाओ। केशव की मोदी शाह से नहीं हुई मुलाकात। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें। 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी। बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने ऋचा चड्ढा, अली फजल बोले, हमारा परिवार नन्ही परी के आने से खुश है। 16 जुलाई को हुआ बेटी का जन्म। सुप्रीम कोर्ट बोला, नीट का रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी हो। एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करें। अगली सुनवाई 22 जुलाई को। सरकारी नौकरी आईटीबीपी में 143 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 28 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, 10वीं पास करें अप्लाई। जिसे 40 दिन में 7 बार सांप ने काटा, उसे स्नेक फोबिया। बुलंदशहर में शोगंगा में रखा अंधविश्वास और सर्वदंश से यूपी में सबसे ज्यादा मौतें।